मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मुंबई लोकल का 80% जो हिस्सा है वो खुल चुका है। जैसे कि मैं आपको कल भी बता रहा था, जो टीचर्स है उन लोगों को भी अलाउ कर दिया गया है, और साथ ही साथ टीचर के साथ में जो एसेंशियल सर्विसेज लोग हैं यानी उन लोगों को भी खोल दिया गया है। और जो बात रही है आम लोगों की, उन लोगों के लिए अभी सोच विचार जारी है। डर लेकर के रेलवे मिनिस्टरों को कहा था कि जो आम लोगों है उन लोगों को भी ट्रेन में अनुमति मिलनी चाहिए, और जिसके बाद से अगर अभी आम लोगों के लिए अनुमति तो नहीं मिली है, लेकिन जो एसेंशियल सर्विस है, जो टीचर्स है, जो महिला है, उन लोगों की रेलवे इस कदर भीड़ हो जाती है कि आप देख सकते हैं, मैंने नज़ारा आपको विजुअल पे दिखा रहा है। और यहाँ जो हम लगेज बोगी पर चढ़े हैं, यहाँ पर भी जो लोग आप मेरे राइट और लेफ्ट देख सकते हैं, ये लोग भी काम करने वाले लोग हैं, और ये लोग अभी बहुत ही खुश हैं क्योंकि इन्हें लोकल ट्रेन में अनुमति मिली है। और कुछ इनके ओपिनियन में जानने की कोशिश करूँगा। भाई क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम सचिन शिलार है। अच्छा, कैसा लग रहा है लोकल ट्रेन चालू? लेकिन अच्छा लग रहा है पहले से, अभी पहले तीन चार। हाँ। अच्छा, जैसे आपको अच्छा लग रहा है, और आम लोगों के लिए क्या आपकी एक सोच विचार, क्या आम लोगों के लिए लोकल चालू होना चाहिए? होना चाहिए। जैसे ये भाई, आप कहाँ रोजाना कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हो और कितने दिन हो गए? मैं आमबोली से, आमबोली थाना मैं रोज आता जाता हूँ। हाँ। अच्छा, ये 8 दिन से पहले भी आप काम करते होंगे, तो किस तरीके से आप ट्रैवल करते थे? नहीं, पहले मैं यही ट्रेन कर आता था ना, रोज का। हाँ, रोज का रोज। नहीं, लोकल जब नहीं चालू थी तब कैसी परेशानी? तब मैं घर पे बैठा था। हाँ, क्या जैसे इनका जो कहना था कि मैं आमबोलू से डेली ट्रैवल करता हूँ, लेकिन जो है अभी बहुत खुश है ये लोकल ट्रेन चालू होने के बाद। और वहाँ पे एक और भाई है। भाई क्या नाम है आपका? सागर। सागर भाई, क्या आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन चालू होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए। आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हो, कितना दिन हो गया आपको? टिटवाला से घाटकोपर। तो पहले कितनी परेशानी थी और आप अभी कितने खुश हो लोकल? हाँ, पहले बस से जाना आना पड़ता था, अभी लोकल से आते जाता तो ज़रा सही लग रहा है। जैसे इनकी तकलीफें है कि बस से ही आते जाते थे, वैसे ना जाने लाखों की तादाद, और ये मुंबई की लाइफलाइन है, इसके ज़रिए मुंबई तेज़ गति से दौड़ती है। और यहाँ पर एक स्टूडेंट भी है, ये स्टूडेंट है या कौन है? भाई स्टूडेंट हो? आप क्या करते हो? जॉब करता हूँ। अच्छा, जैसे आपकी एक सोच विचार क्या है कि आम लोगों के लिए लोकल चालू होना चाहिए? सबको चालू होना चाहिए। हाँ। और कितने दिनों से आप ट्रैवल कर रहे हो? मैं अभी 10 दिन हो गए मेरे को। 10 दिन? कितनी खुशी हो रही है? हाँ, बहुत हो रहा है, क्योंकि बस से जाते थे हम लोग तो बहुत तकलीफ होती थी, अभी तो ट्रेन से चालू हुआ है तो अभी जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ डेली आप ट्रैवल करते हो? मैं जीटीबी नगर पे जाता हूँ। जीटीबी से दीवा? जीटीबी से दीवा जाते हैं। और काफ़ी मित्र भी होंगे जो फंसे होंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में, लेकिन जो है वो अपना कैसे ना कैसे करके लोकल से आ रहे हैं। और इनके जो आप खुशकिस्मती देख सकते हो किस तरीके से है। यहाँ पर गेट में एक और व्यक्ति है। भाई क्या नाम है आपका? राकेश भाई, क्या आम लोगों के लिए आपकी विचार क्या है, लोकल ट्रेन चालू होना चाहिए जैसे आप आए हो? हाँ हाँ, चालू होना चाहिए, होना चाहिए। कितनी तकलीफें आती है अगर आप जैसे लोकल में चढ़े हो, कितनी खुशी आपको? बहुत खुशी। जैसे इनके भी विचार है, जितने भी, हाँ मैंने जिससे भी पूछा सबकी एक ही विचार है कि आम लोगों के लिए जो है मुंबई लोकल चालू होना चाहिए, क्योंकि मुंबई की जो लाइफलाइन है वो मुंबई को और तेज़ गति से दौड़ाती है। और आने वाले दिनों में सरकार की क्या विचार होगी आम लोगों के लिए मैं बताते चलूँगा। इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अब जब से फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।